आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महा अध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 82, जो है 6-8 की कॉमन वर्कशीट। आज डेट है 8 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है आर यू अवेयर। हम शुरू करते हैं। Your body senses and reacts to changes in the world around you. आपकी जो बॉडी है वो सेंस करती है, मतलब महसूस करती है और रिएक्ट करती है जो भी चेंज होता है आपके आसपास। Your ears tell you about sound. आपके जो कान है वो आपको आपकी या किसी और की आवाज के बारे में बताते हैं। Your nose tells you about smells. आपकी जो नाक है वो आपको स्मेल के बारे में बताती है। Your tongue tells you about taste. आपकी जो जीभ है वो आपको टेस्ट के बारे में बताती है। And your eyes tell you about light. आपकी जो आंखें हैं वो आपको लाइट के बारे में बताती हैं। When you touch something, your skin can feel if it is rough or smooth and hot और कोल्ड। जब आप किसी चीज को छूते हो तो आपकी स्किन जो होती है वो बता सकती है कि वो चीज रफ है या फिर स्मूथ है, या तो गर्म है या फिर ठंडी है। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है। हाउ कैन सोनिया सेंस व्हाट इज ऑन द टेबल। ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑब्जेक्ट टू द पार्ट ऑफ हर बॉडी दैट कैन सेंस इट। अब हमारे को ये टेबल दी गई है, यहाँ पर आपको टेबल दिख रही होगी, नीचे सामान रखा हुआ है। अब हमसे बोला गया है कि सोनिया इन सब चीजों को कैसे सेंस कर सकती है, कैसे महसूस कर सकती है, और हम एक लाइन ज्वाइन करनी है हर ऑब्जेक्ट से, सोनिया के हर पार्ट से जिस चीज से वो उसको सेंस कर रही है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये घंटी है या ये चाबी है, घंटी है या फूल है, इन सबको ये अपने हाथ से छू के बताएंगी। और जो खाने के लिए है ये खाकर अपनी जीभ से टेस्ट करके बताएगी। सोनिया कैन अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द टेबल बाय टचिंग द की, स्मेलिंग द फ्लावर्स। अब ये जो फ्लावर्स है इनको ये स्मेल करके ही बता सकती है। हियरिंग द बेल, बेल को जो है वो छू के भी बता सकती है और बेल को सुन के भी बता सकती है, कान से सुन के भी बता सकती है। टचिंग द स्टफ इन द पॉट विद द हेल्प ऑफ हर स्किन। अब जो ये पॉट के अंदर जो भी रखा है इसको टच करके भी बता सकती है, और अगर ये खाने की चीज है तो उसको खा कर भी बता सकती है अपने टंग के थ्रू। आगे चलते हैं। विच सेंस कैन सोनिया नॉट यूज। कौन सा सेंस सोनिया यूज नहीं कर रही थी। सोनिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी इसलिए सोनिया अपनी आईज यूज नहीं कर रही थी। सोनिया इज नॉट यूजिंग हर आईज। हमसे कहा गया, इफ अ फ्रेंड ब्लाइंडफोल्ड यू एंड हैंड यू डिफरेंटली ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हाउ डज योर सेंस ऑफ टच आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, डिड यू यूज एनी अदर ऑफ योर सेंसेस। हमसे कहा गया कि अगर आपको आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको अलग अलग चीजें आपके हाथ में दी जाए तो आप अपने जो टच का, मतलब जो टच का सेंस है, आप छूकर ही बता देंगे क्या ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ और भी यूज करेंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे, इफ वी क्लोज अवर आईज एंड होल्ड समथिंग डिफरेंट देन अवर सेंसेस आइडेंटिफाई इट बाय बीइंग। हमारी जो सेंसेस है वो जो हमारा टच सेंस है वो उसको कैसे बता पाएगा कि वो रफ है, By being rough, smooth, soft, hard, cold or hot, etc. और हमसे पूछा गया, did you use any other of your senses? हम लिखेंगे yes, we also use. अगर कोई भी चीज हमें दी गई है, मान लीजिए फूल के लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो दिए गए हैं तो हम उनको सुन के ही बता सकते हैं, तो उसके लिए नाक का यूज होगा। कोई चीज सुनने के लिए दी गई तो सुन के बताएंगे तो ईयर्स का यूज होगा। कुछ खाने की है तो हम खा के भी बता सकते हैं कि क्या चीज है, तो टंग का भी यूज होगा। यस वी ऑल्सो यूज अवर नोज, ईयर्स,
टंग टू आइडेंटिफाई देम। उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर मेंशन करें। और चैनल को, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को ये इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही हम यहाँ से वीडियो इसमें डालेंगे यूट्यूब चैनल पे अपने। थैंक यू।